नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? गटर के कीचड़ में ही पड़े रहो, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है और सुअर जो हैं वो भी कीचड़ में ही पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी कीचड़ में पाए जाते हैं, तो आपकी असली जगह गटर कीचड़ ही है। आज का जो वीडियो है वो कोई सामाजिक मुद्दे पे नहीं है। आज का जो वीडियो है वो किसी सरकार के खिलाफ, किसी नीतियों के खिलाफ या किसी सरकारी या प्रशासनिक विषय पे नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे न्यूज चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स वालों ने इंटरव्यू लिए, वहां पे उनका एक साधारण सा सवाल आता है कि विनय दुबे जी इतनी बेबाकी से अपनी बात कैसे रख सकते हो, आपको डर क्यों नहीं लगता? मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि विनय जी, हमने आपकी तरह देखते हुए, आपसे सीखते हुए हम अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल कर दिया जाता है। बीजेपी आईटी सेल के जो लोग हैं, अंडभक्त हैं, वो हमें गालियां देते हैं, हमारे मां बहनों की गालियां करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आप ये लोगों से डरिए नहीं। इनकी ये एक्चुअली बहुत कमजोर तबका है जो नरेंद्र मोदी जी ने पाल रखा है, बीजेपी ने पाल रखा है। ये वो कमजोर तबका है जिनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं होते। ये इतने कमजोर होते हैं कि बिना मां बहनों की गाली दिए ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं। ऊपर का माला इनका खाली है, गोबर भरा होता है। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि ये गाली से बात करें। अगर आपको कोई गाली देता हुआ मिल जाता है तो समझिएगा कि वो बेचारा कमजोर है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो सवालों के जवाब दे सके। इसलिए अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो गालियों का सहारा लेते हैं। ये आपने देखा होगा बहुत से पोस्टों पे ये मां बहनों की गालियां देते हैं, क्योंकि इनकी मां बहनें उस तरह से हैं। इन्होंने बचपन से अपनी मां बहनों को सारी चीजें करते हुए देखा है, जिसकी वजह से ये आते हैं और कमेंट करके ये बताते हैं कि मैं किस जगह से, किस पारिवारिक, किस संस्कारों में पला हूं, मेरी माता, मेरी बहनों ने कौन कौन से चीजें की हैं, किस किस प्रकार से की हैं, जिसका मैं प्रदर्शन यहां पे कमेंट में करता हूं। आप सोचिए, देश में महिलाएं हैं ऐसी, ऐसा तबका है महिलाओं का जो इन अंडभक्तों को इतनी बेइज्जती करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। महिलाएं अंडभक्तों को गालियां देती हैं, ये आज तक के स्वर्णिम भारत में कभी नहीं हुआ था। महिलाएं प्रधानमंत्री को गालियां देती हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजती है जो कि सोच नहीं सकता। और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तबके की, इस लेवल की गालियां नहीं खाई हैं। जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं कहता हूं कि भाई, जब भी आप इस तरह की चीजों में आते हैं, जब सरकार से आप सवाल पूछते हैं, आपको गालियां मिलनी लाजमी है। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं उसके हिसाब से आपका प्रदर्शन, आपका एक बर्ताव सोशल मीडिया पे दिखता है। मैंने कभी किसी को मां बहन की गालियां नहीं दी हैं। लाइव वीडियोस में कभी भी अपशब्दों का, मैं अपशब्द यूज करता हूं लेकिन मां बहनों के प्रति नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं है, मेरे परिवार की वैसी परवरिश नहीं है जैसा अंडभक्त और मोदी जी अपने अंडभक्तों को देते हैं। मोदी जी इस मामले में बहुत प्रखर हैं, उन्होंने अपने अंडभक्तों को वैसी शिक्षा दी है कि आप किस तरह से मां बहनों की इज्जत, उनके कपड़े सोशल मीडिया पे फाड़ सकते हो, उनको गैंग रेप की धमकियां दे सकते हो, और रेप किस तरह से किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट में आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या बता सकते हो, ये मोदी जी ने अपने अंडभक्तों को सिखाया है। वो अपना प्रदर्शन वहां पे करते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पूरा देश ये चीज जानता है कि एक महिला के पोस्ट पे, एक मां बहनों के प्रति इन मोदी जी के जो समर्थक हैं, उनका क्या हालत, किस तरह की विचारधारा, किस तरह की मानसिकता है, वो पूरा देश जानता है। और खैर, होना लाजमी है, जैसा नेता होता है वैसे ही उसके कार्यकर्ता होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतनी निडरता से अपनी बात कैसे रख सकते हैं? तो मैं ये कहता हूं कि मैं जिनको फॉलो करता हूं वो एक अलग तरीके के इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, मैं उनकी जीवनी से प्रेरणा लेता हूं, उनके हौसलों से प्रेरणा लेता हूं। अभी जिस तरह से लोग मुझे ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे, कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दांतों को देख के हंसते हैं, मेरे चेहरे को देख के हंसते हैं, खैर वो उनकी बात है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो इतना विशेष ध्यान इसके लिए मुझ पे देते हैं, मेरे दांतों पे कमेंट करना, मुझ पे कमेंट करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो भांजे हो वो विनय दुबे जैसे जीजा के माध्यम से हों, ताकि वो मामा बन सके। वो मुझमें एक जीजा के तौर पे अपने, एक बोलते हैं ना कि संभावित जीजा के तौर पे मुझे देखते हैं।
और इस तरह से वो देखते हैं कि उनकी बहन के लिए अच्छा रिश्ता, अच्छा व्यवस्था, अच्छा प्रति उनको मिले, इसके लिए वो मेरे पे एकदम बारीकी से नजर रखते हैं। तो ये वर्ग है जो अपना जीजा बनाना चाहता है, मुझे अपने भांजों का मामा बनाना चाहता है, इसकी वजह से ये कमेंट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं जितने लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं और उनको अगर इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपका मजाक नहीं बनाया जाएगा, जब तक आपको गालियां नहीं दी जाएंगी, जब तक आपको बेइज्जत सोशल मीडिया पे नहीं किया जाएगा, आपकी टिप्पणी नहीं की जाएगी, तब तक आप यकीन मानिए कि आप कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं। मैं ये सारी चीजें इसके लिए कहता हूं क्योंकि एक आईपीएस हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय पोस्टेड हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा मतलब मेरी जो लड़ने की शक्ति मुझे जहां से मिलती है उससे वो लगाव है, वो जुड़ाव है। अगर आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको मजाक बनाया जाता है, आपको गालियां दी जाती हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस तरह से जो कमजोर तबका है वो आपका पैर खींचता है क्योंकि वो पैरों में ही पड़े हुए हैं। वो पैर तभी खींचेंगे जब वो आपके उनका जो हाथ है आपके पैर में होगा। तो इस पे गुस्सा या खींच खाने की कोई बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि इतने सारे करोड़ों की संख्या में, मुझे गर्व होता है कि करोड़ों की संख्या में अंधभक्त मेरे पैरों में पड़े होते हैं क्योंकि वो मेरा पैर खिंचाई करते हैं, मेजे गालियां देते हैं। तो आईपीएस जी जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक आप आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसकी एक निशानी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं विनय जी तुम्हारी औकात नहीं है मोदी जी पे सवाल करने की क्योंकि तुम एक चुनाव लड़े हो अपक्ष के तौर पे, निर्दलीय के तौर पे आपको बहुत मामूली से वोट पड़े हैं। तो मैं ये चीजों को देखता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मुझे बहुत मामूली से वोट पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मुझे जितने वोट पड़े उतना वोट भारतीय जनता पार्टी के दो टर्म के सांसदों को नहीं पड़े हैं। मैं सांसदों के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं। एक लोकसभा सीट है लक्षद्वीप, आप गूगल कर सकते हैं, लक्षद्वीप में 2014 में मतदान हुआ जहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 187 के आसपास वोट पड़े थे। उसके बाद में 2019 में वापस मतदान हुआ वहां पे लोकसभा के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को केवल 125 वोट पड़े थे। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 312 के आसपास का वोट का आंकड़ा जाता है। मैं खुशनसीब हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवारों का औकात नहीं था विनय दुबे के वोटों तक पहुंचने की, जिसमें कि मोदी जी जैसा व्यक्ति इस पार्टी का प्रचार करता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मीडिया मोदी जी को जिताने में लगी जाती है, करोड़ों अरबों रुपया उनके चुनावों पे खर्चा होता है, उसके बावजूद भी इनके उम्मीदवार, दो उम्मीदवार दो चुनावों में भी टोटल अगर इनका जोड़ दिया जाए तो विनय दुबे से कहीं पीछे उनका वोट पड़ा है। तो मुझे गर्व होता है इन अंडभक्तों के और उनके उम्मीदवारों की इतनी औकात नहीं होती है कि वो विनय दुबे के पड़े हुए वोटों की तुलना में उनके कहीं आसपास भी फटक पाए दो दो बार में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं गर्व महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ने वाले दो उम्मीदवारों की इतनी औकात नहीं थी कि विनय दुबे के मतदान के आधे भी पहुंच पाए वो। तो मुझे गर्व होता है ये, और यही सारी चीजें देखता हूं और मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी बातें रखता हूं और अंडभक्त की जो सेना है वो मुझ पर टूट पड़ती है। यकीन नहीं आया तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके देख सकते हैं, आपको उसका एहसास होगा। इनके परवरिश, इनके माता पिता, इनके परिवार में जिस तरह से इनको रखा गया है, इन्होंने बचपन से देखा है कि इनकी माताएं क्या करती थी, इनकी बहनें क्या करती थी, वही से देखते हुए इनको लगता है कि पूरे देश की माताएं और बहनें वही करती होंगी। ये आते हैं, अपना ज्ञान अपने कमेंट्स में देते हैं, आप पढ़ के उसका एंजॉय ले सकते हैं और आपको महसूस होगा कि जो चीजें ये लिख रहे हैं यही चीजें इन्होंने अपने परिवार में देखी है। इन्होंने, इनकी माताएं, इनकी बहनें, इनके घर की महिलाओं ने ये चीजें की है, इसकी वजह से ये लोग यहां पे आके कमेंट में लिखते हैं। और कोई घबराने की बात नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं, ये अपना ज्ञान अपने संस्कार का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप अभी भी मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं क्योंकि भारत के कुछ चुनिंदा लोगों में से मैं आता हूं जो अंडभक्तों की तबीयत से पिलाई,
सोशल मीडिया पे करता हूं और उनमें कोई रहम मैं नहीं करता हूं, ना वो मुझ पे रहम करते हैं ना मैं उन पे रहम करता हूं। वो अगर मुझे 10 गालियां देते हैं तो मैं इस तरह की वीडियो में आके उनकी इज्जत का बलात्कार कर देता हूं, बलात्कार रेप खुले तौर पे सोशल मीडिया पे। उसी के लिए मैं कुख्यात हूं, विख्यात नहीं कह रहा हूं मैं, कुख्यात हूं। धीरे धीरे मेरे फैन की जो पेज की फॉलोइंग है वो 1 लाख के ऊपर चली गई है और फॉलोअर्स 1,44,000 के आसपास हो गए हैं। अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे पेज से जुड़ सकते हैं। मेरे पेज का नाम है द विनय दुबे, उस पर 1,44,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है विनय दुबे इंडिया। उसके बाद आप मुझे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी है @thetheunderscore_vinaydubey। आप इस पे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने बहुत बार जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए मैंने जब आह्वान किया तो आप लोग आगे आए, आप लोगों ने मदद पहुंचाई है। अभी भी हमारी मुहिम चालू है। मैं एक नई मुहिम आपको बताना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे मैसेजेस इसी समय आ रहे हैं जो कि जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे पूरे भारत से मुझे मुहिम निवेदन आते हैं, मैसेज आते हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। इस समय आप सभी जानते हैं लॉकडाउन में परिस्थिति क्या है, लोग एक दूसरे से पहले से ही इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं, उनके पास अब कुछ करने के लिए नहीं रह गया है, नौकरियां जा चुकी हैं, घर का राशन है, मेडिकल के खर्चे हैं, ये बढ़े हुए हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो लोगों की मदद करने के लिए अपनी सेविंग्स में से या अपनी इच्छा अनुसार दान देता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से पिछली बार राशन और भोजन के लिए आप लोगों ने अंतिम संस्कार में मदद करने के लिए आप लोगों ने मदद की थी, उसी प्रकार से एक बार वापस मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरे देश के अंदर अगर किसी को लगता है कि उसको आर्थिक जरूरत है, मदद की जरूरत है, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9594394948, मैं नंबर वापस बोलता हूं 9594394948, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं हम बहुत अमाउंट, बड़ी अमाउंट में तो मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक 200 रूपये से लेकर 500 रूपये तक के लिए आपको एक मामूली सी आप बोल सकते हैं राहत हम दे सकते हैं पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से। और मैं प्लीज निवेदन करता हूं कृपया वही लोग मैसेज करें जिनको अत्यंत जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक ये चीज आपको मदद पहुंचाई जा सके। मैं आंकड़ा आपको भी बता रहा हूं 200 से 500 तक मैक्सिमम हम आपको मदद कर पाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है हजारों की संख्या में है। सभी तक अगर इतने पैसे हम अगर मदद के तौर पे भेजेंगे तो उतना पैसा किसी के पास आज नहीं है लॉकडाउन की वजह से। और मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं जिनको दवाइयों की जरूरत है, जिनके घर पर राशन नहीं है और देश के किसी भी कोने में वो अटके हुए हैं, अगर आप इन लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे टीम के पास ये आर्थिक मदद भेज सकते हैं, स्वेच्छा से भेज सकते हैं। उसका नंबर है, आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते हैं, फोन पे पे भी आप भेज सकते हैं। एक ही नंबर है सभी का, वो नंबर है 9594394948। और अगर आपको यूपीआई करना है तो लास्ट में @UPI के माध्यम से आप इसे जो भी आपको लगता है एक सहयोग राशि आप भेज सकते हैं। ये जो आपके द्वारा आए हुए पैसे हैं ये उन लोगों तक पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से भेजे जाएंगे, उसकी पूरी रिकॉर्ड हम रखते हैं और उसकी पूरी डिटेल हम लोग आपको अगले वीडियोस में इसको पोस्ट करेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ये मदद किन लोगों तक पहुंची है और उनकी स्थिति क्या थी। आप लोगों से निवेदन है जो लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़े, जो मदद करना चाहते हैं ये स्वेच्छा सा विषय है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। और अंडभक्तों को इस पे भी अब दिक्कत होगी, क्यों कहते हैं कि आप पैसे मंगा लेते हैं, अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले लेते हैं, आपने ये धंधा बना के रखा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कृपया यही सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए, जो पीएम केयर्स फंड में इतना अरबों रुपया मंगाया गया लेकिन उन्होंने कोई चीज एक जनता की मदद के लिए आगे नहीं आए हैं, क्या उन्होंने भी इसे धंधा बना के रखा हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर जो भी मदद हो सकता है मैं करता हूं। और आप लोगों से निवेदन है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, आवाज बुलंद रखें और घबराने की जरूरत नहीं है।